तो हेलो गाइज, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो गाइज, आप जो मेरे हाथ में देख रहे हो ये है रिचार्जेबल एक मिनी ड्रिल, जिसको मैंने आज के वीडियो में तैयार किया है। गाइज, ये बहुत ही अच्छा काम कर रही है और इसको मैंने पूरी तरह रिचार्जेबल बनाया है, जिसको आप दोबारा चार्ज भी कर सकते हो। तो गाइज, इसको बनाने के लिए मैंने PVC पाइप का यूज़ किया है और बाकी आप जो भी कंपोनेंट है वो आपको इजीली मिल जाएंगे। तो चलिए गाइज, बिना देर के इसको बनाना शुरू करते हैं। तो गाइज, ड्रिल बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है मोटर। तो आप कोई सी भी मोटर ले सकते हो, बस उसका टॉर्क और स्पीड दोनों काफ़ी अच्छे होने चाहिए, जिससे कि आपकी ड्रिल बहुत ही अच्छा काम करेगी। तो मैं यहाँ ले रहा हूँ DC 385 मोटर, जो कि 6 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक बहुत ही अच्छा काम करती है और इसकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी है। और गाइज, ये बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है, यानी ये बहुत ही कम वोल्टेज खपत करेगी। तो गाइज, इस मोटर को फिक्स करने के लिए मैंने लिया ये PVC का बैंड, जो कि एक डायमीटर कन्वर्टर भी है। तो इसका फायदा ये है कि इसके अंदर हमारी मोटर इजीली फिक्स हो जाएगी, इसमें हमें कोई कांट छांट नहीं करनी पड़ेगी। आप देख सकते हो मोटर बिल्कुल परफेक्ट इसके अंदर आ रही है। अंदर थोड़ा सा इसका किनारा टच हो रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा घिस लूँगा, जिससे कि मोटर इसके अंदर पूरी लग जाएगी। तो गाइस, जब आते हैं इसकी स्टैंड पे, जिसको आप हैंडल या स्टैंड कुछ भी बोल सकते हो। तो इसके लिए मैंने लिया है ये 1 इंची का PVC पाइप और इसको हमें इस बैंड के साथ यहाँ पर फिक्स करना है। तो गाइज, इसकी साइज़ बैंड के बराबर ही है, तो इसके लिए मैंने साइड में 2 कट कर लिए हैं, जिससे कि हम इसका डायमीटर कम करके बैंड के अंदर की साइड फंसा सके, जिससे कि ये मजबूती से फिक्स हो जाए। तो आप देख सकते हो मैंने 2 कट कर लिए हैं और अब इसको मैं गर्म करके इसके अंदर फंसा लूँगा। और गाइज, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए रोज़ ऐसे इंटरेस्टिंग और यूजफुल प्रोजेक्ट की वीडियो लाता रहता हूँ। और गाइज, प्रोजेक्ट संबंधी सारे सर्किट डायग्राम आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप फॉलो ज़रूर करें। अब गाइज, जो एक्स्ट्रा PVC का पाइप है उसको हम काट लेते हैं। इसकी लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हो, जितना हम इजीली पकड़ पाए उतनी लंबाई में इसको कट कर लेना है। और अब आप देख सकते हो ये पूरी तरह फिक्स हो चुका है इसके साथ। तो गाइज, जब सामने की साइड में स्विच लगाने के लिए यहाँ पे छोटा कट कर लेता हूँ, तो इसके लिए मैं अपनी अंगुली के हिसाब से ही मार्किंग कर लूँगा, ताकि इसको दबाने में हमें कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर मैं मार्किंग करके छोटा सा होल कर लेता हूँ, जिसमें स्विच लग जाएगा। तो गाइज, मैं इसके साथ एक पुश टाइप का स्विच यूज़ करने वाला हूँ, जिससे फ़ायदा ये होगा कि बिना वजह आपकी बैटरी खपत नहीं करेगा और जितनी ज़रूरत होगी उतना ही हम इसको चला सकते हैं। तो आप थोड़ा सा अच्छा स्विच यूज़ करें, यानी मैं यहाँ पे थोड़ा हैवी स्विच यूज़ कर रहा हूँ, आप छोटा भी कर सकते हैं। तो गाइज, स्विच के लिए कट हो चुका है और अब जो ऊपर का बैंड है, इसके सामने की तरफ हमें एक छोटा सा PVC का पीस कट कर लेना है, ताकि मोटर के आगे हम सपोर्ट के लिए लगा देंगे। तो आप देख सकते हो ये पूरी तरह कट हो चुका है और ये मोटर के साथ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। तो गाइज, अब इसकी फिटिंग शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले मोटर के साथ 2 वायर कनेक्ट कर लेता हूं और उसके बाद में हम दोनों वायर को बैंड के अंदर से निकाल लेते हैं नीचे की साइड, और उसके बाद इस मोटर को हम इस बैंड के अंदर फिक्स कर देते हैं। तो इसको मैंने पहले ही पूरी तरह तैयार कर लिया था, तो इसलिए ये मोटर इसके अंदर ईजिली फिक्स हो चुकी है। थोड़ी टाइट है और टाइट ही थोड़ी रहनी चाहिए, जिससे कि दिक्कत ना आए। अब हमने जो केप कट किया था उसको मोटर के ऊपर लगा देते हैं और फिर इसको अच्छी तरह से स्टड ग्लू की मदद से चिपका देते हैं। और गाइज, मोटर के कनेक्शन का आपको विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव उल्टे नहीं होने चाहिए। अगर उल्टे कनेक्ट हो गए तो मोटर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, जिससे कि आपको फिर ड्रिलिंग करने में दिक्कत हो सकती है। तो आप देख सकते हो मैंने पॉजिटिव वायर को स्विच के साइड बाहर निकाल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस वायर के साथ हम कट करके इस स्विच को लगा देंगे। तो मैं वायर को कट करके इसके साथ स्विच के कनेक्शन कर देता हूँ। लेकिन गाइज, ये स्विच थोड़ा सा बड़ा है, तो ये क्या है कि नीचे PVC पाइप पे टच हो रहा था, तो इसके लिए मैंने स्क्रू हटा दिया है और डायरेक्ट हम दोनों वायर को इसके साथ सोल्डरिंग कर देंगे, क्योंकि स्विच के ऊपर ये इजीली सोल्डर हो जाता है। मैंने दोनों वायर इसके साथ कनेक्ट कर लिए हैं और अब हम इस स्विच को यहाँ पर लगा देते हैं। तो गाइज, आप देख सकते हो स्विच की बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग हो चुकी है और अब हमने जो PVC पाइप लगाया था इसको मैं स्टड ग्लू से यहाँ पे मजबूती से चिपका देता हूँ। अब गाइज, इसके साथ बैटरी पैक लगाने के लिए मैंने एक PVC का पाइप लिया, जिसका डायमीटर लगभग 63 mm है। इस PVC पाइप को हमें कुछ इस प्रकार से मोड़ लेना है, जिससे कि इसके अंदर 3 लिथियम आयन बैटरी इजिली आ जाएगी। तो गाइज, अब इसे दोनों साइड से बंद करना है और ऊपर हमने जो ड्रिल बनाई थी उसको फिक्स करने के लिए भी यहाँ पे एक छोटा सा होल कर लेते हैं। तो मैं सारी मार्किंग करके इसकी कटिंग कर लेता हूँ। तो गाइज, मैंने दोनों PVC पीस की अच्छी तरह से कटिंग कर ली है और ये इसके साथ बिल्कुल परफेक्ट रूप से फिक्स हो रहा है, और ऊपर की साइड भी मैंने होल कर लिया है, जिससे कि ये ड्रिल के साथ इजीली लग जाएगा। तो अब इसको यहाँ पे लगा के हम इंस्टेंट ग्लू से यहाँ पे चिपका देते हैं। आप इंस्टेंट ग्लू के अलावा यहाँ पे एरोडाइट का भी यूज़ करना है, नहीं तो ये इंस्टेंट ग्लू से रुकेगा नहीं, क्योंकि ऊपर मोटर का वजन आएगा, जिससे कि निकल सकता है।
अब जो एक पीस दूसरा बचा था उसके साथ मैंने एक 12 वोल्ट का जैक और एक चार्जिंग इंडिकेटर लगा लिया। इंडिकेटर के साथ मैंने 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है और यहाँ पे एक IN4007 डायोड का भी यूज़ किया है, क्योंकि हम इसके साथ कोई BMS नहीं लगाने वाले हैं। यहाँ पे BMS यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जिससे कि ये बैटरी और चार्ज होने से प्रोटेक्ट रहेगी। BMS नहीं यूज़ करते तो आप इसको बहुत ही कम चार्ज करें, यानी आप 1 से 1.5 घंटा तक ही चार्ज करें। बैटरी फुल चार्ज तो नहीं होगी लेकिन ख़राब भी नहीं होगी। तो गाइज मैंने तीनों बैटरी को सीरीज में अच्छी तरह कनेक्ट कर लिया है और अब हमें कुछ इस प्रकार से यहाँ पे अंदर इसको लगा देंगे। और अब जो मोटर से दोनों वायर लिए थे उनको हमें बैटरी के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव कनेक्ट कर देना है। तो अब मैं इसके साथ एक हीट सिंक ट्यूब डाल दिया हूँ, जिससे कि ये शॉर्ट सर्किट होने का डर नहीं रहे। और अब जो पॉजिटिव वायर है उसको मैंने डायोड के साथ कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव को हम डायरेक्ट सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे। गाइज डायोड का इसलिए यूज़ किया है क्योंकि इस बैटरी पैक के साथ हमने कोई BMS सर्किट नहीं लगाया है, तो डायोड बैटरी का जो रिवर्स करंट है उसको रोक लेगा। तो फाइनली गाइज इसी के साथ हमारी मिनी ड्रिल पूरी तरह बनके तैयार हो चुकी है, जिसको मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया गया है। आप वीडियो देखकर इसको ईजिली घर पर बना सकते हो। तो गाइज इसके साथ बिट को कनेक्ट करने के लिए हमें चाहिए एक ड्रिल चक। तो आप देख सकते हो मैंने एक छोटा ड्रिल चक लिया है जो इसके साथ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फिक्स हो जाएगा। तो मैं इसको अच्छे से यहाँ पे टाइट कर लेता हूँ, जिससे कि बिल्कुल भी लूज ना रहे। और उसके बाद हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे ड्रिल बिट को। और गाइज इस चैनल पर मैंने और भी इस टाइप की काफ़ी वीडियो डाल रखी है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप चैनल पर विजिट करके उनको भी देख सकते हो। तो गाइज मैंने इसके साथ ड्रिल बिट को अच्छी तरह कनेक्ट कर लिया है और आप देख सकते हो इसमें बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है, ये बहुत ही अच्छा काम करेगी। तो गाइज इसकी टेस्टिंग करने के लिए मैं ले रहा हूँ ये PVC की सीट। तो सबसे पहले हम इस पर ही टेस्ट करेंगे कि ये कितना काम कर पाती है। तो आप देख सकते हो PVC सीट पे तो ये बहुत ही इजीली होल कर पा रही है, यानी बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, आप इजीली इसकी मदद से कर सकते हो। और गाइज मैं इसकी आगे आपको लकड़ी के बोर्ड पर भी टेस्टिंग दिखाऊँगा, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो गाइज आप देख सकते हो मैंने हार्ड PVC सीट पे इसकी मदद से बहुत ही इजीली काफ़ी सारे होल कर दिए और बहुत ही कम समय में ये हो गया है। तो गाइज अब मैंने लिया एक प्लाईबोर्ड का टुकड़ा जो कि काफ़ी हार्ड है, तो इस पर हम इसकी टेस्टिंग करते हैं कि इस पर ये कितना काम कर पाती है। हालांकि PVC सीट जितना इतना ईजी तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो इसके अंदर इसकी मदद से हम इजीली होल कर पा रहे हैं। तो फाइनली गाइज इसकी सारी टेस्टिंग हो चुकी है और ये बहुत ही अच्छा काम कर रही है। आप ऐसी ड्रिल आराम से घर पे बना के यूज़ कर सकते हो। तो गाइज अब आते हैं इसकी चार्जिंग पे। तो मैंने 12 वोल्ट 1 एम्पेयर का एक अडाप्टर लिया है, जिसको हम इसके साथ चार्ज लगा देंगे। तो आप कोई से भी 12 वोल्ट के चार्जर से इसकी बैटरी को ईजिली चार्ज कर सकते हो। तो फाइनली गाइज उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।